नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं दादा स्टेशन, यहाँ पर क्यों इतना भीड़ होती है ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। तो जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसे वीडियो डालें वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसमें हम दादर में खड़े हुए हैं और जहाँ से आपको दिखा रहे हैं ये दादर का सीन है जो सामने वाले गेट सेंट्रल लाइन का है। तो आप सेंट्रल लाइन का इसमें देख रहे हैं कि कैसे गर्दी होता भी हम आपको दोपहर में दिखा रहे हैं। जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी इस समय दोपहर में आए हुए हैं क्योंकि दोपहर में रिकॉर्डिंग करना ठीक है, तो शाम को सुबह में बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारी पब्लिक आ जाती है, इसके लिए थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में तकलीफ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आप हमारे चैनल बने रहना, वीडियो को पूरा देखते रहना। दोस्तों समय हम दर्शन लाइन में आए हुए हैं जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये दोपहर का समय है और भीड़ तो ज़्यादा नहीं है। फिलहाल जैसे शाम होती जाएगी वैसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी और सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, सुबह शाम यहाँ पर आना बहुत भारी रहता है। चलिए दोस्तों आगे आपको लेकर चलते हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को पूरा देखते रहना। चलिए हम आगे आपको लेकर
वेस्टर्न लाइन में आए हुए हैं, जहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बहुत ज़्यादा तादाद में आती जाती रहती हैं और सेंट्रल वेस्टर्न दोनों यहीं पर है। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हमारे चैनल को बने रहना और यूट्यूब पर देखें। दोस्तों, इस समय 5 नंबर पर महानगरी एक्सप्रेस आई हुई है, इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और टैक्सी ड्राइवर बाहर खड़े हुए हैं जो कि सामान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि सवारी मिले और यहां से जाएं। तो इस समय महानगरी आने की वजह से यहां पर बहुत सारी भीड़, टैक्सी वाले आकर खड़े हो गए हैं सामने। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को पूरा देखते रहना। दोस्तों, ये जो ब्रिज आपको दिखा रहा हूँ यही दोनों लाइनों को जोड़ता है और एक बीच में ब्रिज है जो दोनों लाइनों को जोड़ता है। इधर वेस्टर्न लाइन है और आगे सेंट्रल लाइन था। ये सेंट्रल लाइन से लोग वेस्टर्न लाइन में जा रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये वेस्टर्न लाइन का ब्रिज है। वेस्टर्न लाइन में आए हुए हैं, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बहुत ज़्यादा तादाद में आती जाती रहती हैं और सेंट्रल वेस्टर्न दोनों यहीं पर है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को पूरा देखते रहना। दोस्तों, जो ये मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं जस्ट स्टेशन के पास वेस्टर्न लाइन में है, जो कि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, यहाँ पर चलना भारी हो जाता है। आपको अगर कोई सामान चाहिए तो संभल बहुत तकलीफ होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। Thank you.
दोस्तों क्यों दादर में होता है इतना भीड़, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दादर एक ऐसा सेंट्रल और वेस्टर्न को जोड़ने वाला है, जो कि आप अगर सेंट्रल से आ रहे हैं तो आप वेस्टर्न में जा सकते हैं और वेस्टर्न से आ रहे हैं तो आप सेंट्रल में जा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको कहीं भी देश के कोने कोने जाना है तो आप दादर में आएंगे, तो आप वेस्टर्न लाइन से जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं, और सेंट्रल लाइन से आते हैं तो यहाँ से भी ट्रेन पकड़कर आप जा सकते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने के लिए यहाँ से ट्रेनें हैं इसकी वजह से। और यहाँ पर बहुत सारी मार्केटें हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें जो होलसेल मार्केट भी हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट स्थान भी हैं, शिवाजी पार्क, सिद्धि विनायक और सारे ऐसे हैं जो कि देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। इसके लिए बहुत सारा भीड़ लग जाता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर दादर स्टेशन। जो कोई आता है दादर स्टेशन जरूर आता है एक बार देखने के लिए, तो आशा करता हूँ आप भी आएंगे एक बार दादर स्टेशन। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आना, अगर मुंबई आते हैं तो आप दादर स्टेशन जरूर आना, और यहाँ का भीड़ देखकर आप भी सोचोगे कि हाँ कुछ है दादर में। तो दोस्तों चलिए हम यहीं पे वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे ही वीडियो डालें वो आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर कहीं नई जगह पर, जहां आपको लेकर चलूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को पूरा देखते रहना।